हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। और मैं काफी टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और 23 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी, 23 दिसंबर को। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल का, और जो भी कुछ है जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ थोड़ा बहुत, वही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। 23 दिसंबर तो आज सारे डॉक्यूमेंट्स मैं रेडी कर रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना है, एडमिट होना है आज, और प्लान है कि कल डिलीवरी होनी है, यानी 24 दिसंबर। और ये 24 दिसंबर का जो डेट है वो एक्चुअली मेरे मन में था कि 24th हो जाए तो बेटर है, और ये वैसे मैंने डेट मन में सोचा था, लेकिन ये जो सजेशन है लेट का वो डॉक्टर की तरफ से ही आया है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम 24th को करते हैं, तो मैंने जस्ट उसको ओके कर दिया। तो आज 23rd आज हम जाएंगे और इवनिंग तक एडमिट हो जाएंगे, और 24th दिसंबर कल के पाएंगे। तो देखते हैं कैदी नंबर 502 है। मीटिंग हो रही है भाई, प्लानिंग हो रही है सुबह सुबह। मैं थोड़ी खाती रहे, खाती तो रही, खिलाती रहे, खिलाती का मतलब दो तरह का हो गया ना, खाती रहे, खिलाती नहीं, खाती रहे, खिलाना भी पड़ेगा अभी से, बस अभी खा लिया इसने जितना खाना था। हाँ। तो अभी चल रही है हॉस्पिटल जाने की तैयारी, ठंड बहुत ज्यादा है आज। ऐसा कभी हुआ कि आप टावर 2 भी चले गए एक जगह? टावर 2 और टावर 1 में पता लग जाता अंतर? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चला सब चीज का, पता नहीं, कभी कभी कुछ भी काम तो फोन करना, बेस्ट ऑफ लक। चलो फोन करूंगा रात में 4 बजे कर देना, कहा कोई बात, जब भी हो फोन करना। हाँ ठीक है, चल क्या हाँ, मुझे अभी अभी इतना टेंशन नहीं हो रहा कुछ भी, ऐसा ठीक लग रहा है। भाग भाग के जाते उसमें परेशान रहते हैं। हाँ अभी मैं जा रही हूँ लेबर रूम के अंदर, तो यहीं पास में ही है। और ये वाला जो हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, इधर से उधर चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। और हम पहले एक बार पहले पता करके गए थे कि कहाँ पर लेबर रूम है, तो लेबर रूम में अंदर आ चुकी हूँ, कपड़े चेंज हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। और
और यहाँ पर जो है मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पेट में ना कुछ लगा रखा था, उससे हार्ट बीट चेक होती है, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ थी और मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई रात भर, कि मैं थोड़ा सा भी सो पाती, लेकिन एक डर भी था अंदर से और एक अलग सी खुशी है, तो उस सब चीज़ों को मिला के बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और लेबर रूम में जो कि अंदर ये नहीं आ सकते थे, तो मैंने इनको बोल दिया था कि घर चले जाओ, तो 12 बजे के करीब ये घर चले गए हैं, तो सुबह अब आएंगे यहाँ पर, तो हॉस्पिटल में मैं अकेली हूँ अभी। और यहाँ हो गई है सुबह की शायद 5 बजे होंगे, जो इस टाइम पे इन्होंने मुझे चाय दी है, अभी मैं चाय पी रही हूँ। भी दिया है मुझे इन्होंने एप्पल जूस, जो पैकेट वाला जो जूस होता है वही एप्पल जूस दिया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर भी अंदर की थोड़ी थोड़ी अपनी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, कि खाने में क्या क्या दिया है, यही सब मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ यहाँ पर, तो वही कोशिश कर रही हूँ। और अभी आए थे डॉक्टर, तो उन्होंने चेक वेक किया है, तो बोला है थोड़ी देर आप घूमो, तो मैं काफ़ी देर से घूम रही थी, तो जो सिस्टर थी मेरे साथ में, मैंने उन्हीं को बोला था कि थोड़ी सी वीडियो मेरी बना दो यहाँ पर, तो उन्होंने बना दी है, और भी जो है थोड़ी वीडियो उन्होंने मेरी बनाई है जो कि आगे आप देखोगे। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ सूप, और आप लोगों को वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा होगा एक के बाद एक मैं चीज़ें खा पी रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जैसे कि आपको पता ही है, वो टाइम टू टाइम इस तरीके से चीज़ें देते हैं, और बस अब इंतज़ार कर रही हूँ मैं उस पल का जो कि हर कोई 9 महीने तक इंतज़ार करता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, कैसा सफ़र रहता है ये हमारा। और अभी जो है सिस्टर मेरी 2 चोटियाँ बना रही हैं, और डॉक्टर को जो डिसीजन लेना था वो डॉक्टर ले चुके हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुए हैं। बहुत लोगों को तो पहले से पता है क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और अभी कुछ टाइम नहीं मिला था, आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को, तो इसी वजह से मैं व्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा जो मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है यूट्यूब की। जिसमें यूजर की अपनी बिल्डिंग कर रखता है ना, अच्छा हाँ वो है, ठीक है। इसके लिए ना डूडी वगैरह हाँ नहीं होता ही नहीं है जान मुझे कह रही हूँ, इतनी मुश्किल से तो कल आके पहनेंगे ना, तो पड़ेगी तोड़ देंगे फिर जो है वो भी नहीं मिलेगी। चलो